हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। इसके साथ साथ अगर पसंद आ रही है मेरे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात मेट्रो के बारे में, जो यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है गुजरात मेट्रो तक के तरफ से, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके डाउनलोड करके उससे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसका जो डिटेल्स है, कि इसका रिक्रूटमेंट क्या निकला हुआ है, कौन कौन लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले ही लिखा हुआ है मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर द गांधीनगर एंड अहमदाबाद, जो कि ये मेट्रो ऑफ गुजरात का है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब है। 27 सितंबर 2018 में इसका जो पोस्ट हुआ है, इस जॉब का नोटिफिकेशन पोस्ट हुआ है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोस्ट क्या है। उसके पहले यहाँ पे जो कि ब्राइट कलर जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है, मेगा इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट विल बी ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद इन 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आप लोग नहीं जानते होंगे कि ये एक जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब है, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स इसका जो अगर आप अप्लाई करना करेंगे उसके जो जॉब है, ये 3 ईयर 4 ईयर्स तक आपका जो चलेगा, उसके बाद आपका यहाँ से नहीं होगा, आपको जो कि रिक्वायर नहीं करेगा। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि पोस्ट क्या है। तो पोस्ट जो है यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर के निकला हुआ है, सैलरी रहेगा इसका 29,000 to 54,000। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 12 मंथ के एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। एज लिमिट के यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कैंडिडेट हो, SC ST OBC या जनरल, आप 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो पोस्ट है, जॉइंट जनरल मैनेजर सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर के फिनेंस एंड अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में। सैलरी इसका रहेगा 36,000 से 62,000 या 32,900 से 58,000 तक इसका सैलरी रहेगा पर मंथ। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 1, क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे या एक्सपीरियंस जो है 16 या 15 मंथ के आपका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम जो कि यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, तो यहाँ पे 50 to 48 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम जो कि एज लिमिट होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूँगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, यहाँ पे आपका जो कि रिक्वायर लगेगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है मिनिमम 12 ईयर्स कमीशन सर्विस इन मिलिट्री पैरामिलिट्री सर्विस। तो जो लोग मिलिट्री या पैरामिलिट्री में जॉब किए या 1 ईयर या 12 ईयर्स वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वर्क बैकग्राउंड हैविंग मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ऑफिसर सर्व्ड एंड सर्विंग एज एन कर्नल एंड लियोटेनेंट कर्नल विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो दोस्तों, इसके मतलब है ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा, इसके साथ आपको 12 ईयर्स का मिलिट्री या आपका पैरामिलिट्री जो कि आपका सर्विस में काम करना आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना कर सकते। तो दोस्तों, इसके बाद जो सेकेंड पोस्ट है यहाँ पे जॉइंट जनरल मैनेजर सीनियर डिप्टी मैनेजर फिनेंस एंड अकाउंट के लिए, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे CA ICWAI MBA एंड फिनेंस विद मिनिमम 16 या 15 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट फिनेंस। इसके साथ साथ डायरेक्ट टैक्सेस प्रोविजन, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोविजन, कंप्लेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, फाइनलाइजेशन ऑफ बजट प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वर्किंग नॉलेज इन SAP एंड FICO विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन जो चाहिए CA ICWAI
या MBA इन फिनांस में, 16 ईयर या 15 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपको। इसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टेट और सेंट्रल PSU बोट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इम्प्लीमेंट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। जनरल कंडीशन जो यहाँ पे रहेगा, एक्सेप्शनली क्वालिफाइड एंड हायर रैंक होल्डर कैन बी कंसिडर्ड फॉर हायर पोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपटेंट अथॉरिटी। अपार्ट फ्रॉम द पे अदर बेनिफिट विल बी पेड एज पर द कंपनी पॉलिसी। तो यहाँ पे अदर जो कंडीशन जो कंपनी के तरफ से आपको मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ के चेक कर लेना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जो कि इसका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे उसका जो डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर 3 to 5 ईयर्स ऑन एक्सटेंडेबल बेसिस। तो यहाँ पे बेसिकली इस जॉब का जो एक्सटेंशन है 3 ईयर्स या 5 ईयर्स तक इसका जॉब चलेगा, उसके बाद वो अगर बढ़ाएंगे तो ये कंपनी के तरफ होगा। कंडीशन जो कि है यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू कंडक्ट बाय द मेगा फॉर अबव सेड पोस्ट ऑफ अर्लियर ओकेशन नीड नॉट सेंड देयर एप्लीकेशन अगेन अनलेस देयर चेंज इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड मेरी प्रोसेस ऑफ द सम डज नॉट इंटाइल्ड कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू जो कि होगा, इंटरव्यू जस्ट इंटरव्यू आपको ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका ओनली इंटरव्यू के बेसिक आपको जो कि सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं, जस्ट इंटरव्यू के डिपेंड करता है इंटरव्यू में किस तरह से आप देता है, इंटरव्यू के डिपेंड से वाइज आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की कुछ और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन शुड फिल द रिक्वायर्ड फॉर्म इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ओनली और ऑन आर कंपनी वेबसाइट थ्रू द लिंक अंडर www.gujaratmetrorail.com/career। अप्लाई ऑनलाइन अलॉन्ग विद द नेसेसरी अटैचमेंट इन मार्जेंट सिंगल PDF फाइल कंडक्टिंग CV पे स्लिप एंड टेस्ट मोनिकलीज एक्सेट्रा ऑन बिफोर 20 अक्टूबर 2018 बिफोर 5 PM। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते। मैं आपको ध्यान देना होगा 20 अक्टूबर 2018 से पहले आपका अप्लाई करना होगा। टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू विल बी इशूड टू शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट इंडिकेटिव टाइम एंड डेट ऑफ वेन्यू फॉर द कॉल इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू के जो डिटेल्स है आपको कॉल लेटर के बाद आपको कॉल लेटर में आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आप लोग प्रिपेयर हो, उसके बाद आपका जो ये जॉब है मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर पूछना अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।